नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टारगेट स्टडी एके पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि यूनाइटेड नेशन महासभा में सुषमा स्वराज जी जो कि भारत के विदेश मंत्री हैं ने ऐसा क्या बोल दिया कि न्यूज़पेपर से लेके न्यूज़ चैनल से लेके यूट्यूब पर सुषमा स्वराज जी की खूब चर्चा हो रही है और उनके वीडियो को सर्कुलेट किया जा रहा है और यूट्यूब पर ट्रेंड भी कर रही है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम पूरी बात जानेंगे कि कैसे और कहाँ पर सुषमा स्वराज जी ने क्या बातें करी। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि यूनाइटेड नेशंस के बारे में। देखिए यूनाइटेड नेशन क्या है, जैसे घर में अगर किसी दो लोगों के बीच में लड़ाई हो जाती है तो घर का जो बड़ा मेंबर होता है जैसे पेरेंट्स होते हैं वो मामले को सुलझाते हैं, और इसी तरीके से अगर किसी बाहर मोहल्ले में अगर कोई झगड़ा हो जाता है तो उसको सुलझाने के लिए पुलिस आती है। लेकिन अगर दो अलग अलग देशों के बीच में कोई लड़ाई या कोई डिस्प्यूट क्रिएट हो जाता है तो उसको सुलझाने के लिए यूनाइटेड नेशन में इन सारी चीज़ों का डिस्कशन होता है कि आपसी जो देशों में क्लेश प्रोड्यूस होता है उसको वो सॉल्व करता है। तो हुआ क्या था कि यूनाइटेड नेशन जब दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ था, दूसरे विश्व युद्ध के खत्म होने के बाद में जो देश वो जीत गए थे उस युद्ध में, तो उन्होंने फ्यूचर में कभी भी विश्व युद्ध ना हो इस वजह से उन लोगों ने मिलकर यूनाइटेड नेशन नाम का एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया था जिससे कि अलग अलग देश के बीच में अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो उसको वहाँ पर सुलझाया जा सके। तो होता उसमें यह है कि बहुत से अलग अलग देशों में जो भी डिस्प्यूट होते हैं वो लोग आकर एक ही जगह पर उस चीज़ पर डिस्कशन करते हैं और यूनाइटेड नेशन उस पर फैसला लेता है। तो यानी कि एक तरीके से कह सकते हैं इंटरनेशनल कानून व्यवस्था जो है, जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल की जो कानून व्यवस्था है उसको यूनाइटेड नेशंस बरकरार किए हुए है। तो वो ऑर्गेनाइजेशन धीरे धीरे डेवलप करता गया और आज इतने मुकाम पर पहुँच गया है। तो एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन भी पूछ लेता है कि ये इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो ये मैनहट्टन द्वीप न्यूयॉर्क शहर में इसका मुख्यालय है। बाकी काफी चीजें डिटेल में यहां पर डिस्कस नहीं करेंगे, पहले देखेंगे कि सुषमा स्वराज जी ने यहां पर क्या डिस्कशन किया था। तो देखो ये जो यूनाइटेड नेशन का महासभा जहां पर होती है, ये बहुत बड़ा जो हॉल होता है, मैं उसका पिक्चर आपको शो कर रहा हूं। इस महासभा हॉल में क्या होता है कि ये जो आप चेयर्स देख रहे हैं, ये यहाँ पर जो चेयर्स लगी हुई हैं इस पर क्या है कि जितने भी देश इसके पार्टिसिपेंट्स हैं वो यहाँ पर बैठकर इस सभा को अटेंड करते हैं, और जो मेन जिस कंट्री का कैंडिडेट इस चीज़ अपना स्पीच देगा वो सामने स्टेज पर जाकर यहाँ से स्पीच देता है और बाकी सारे लोग बैठकर उनको सुनते हैं। तो इस तरीके का कुछ आपने न्यूज़ चैनल पर भी देखा होगा, इस तरीके का इसका सभागार है। तो सुषमा स्वराज जी ने कुछ ऐसी बातें वहाँ पर कही हैं जिसकी वजह से वो चर्चा में बनी हुई हैं। उन बातों को जानते हैं कि ऐसी कौन कौन सी बातें हैं, बिल्कुल शॉर्ट में जानते हैं हम लोग, क्योंकि डिटेल में हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। देखो पाकिस्तान के बारे में मेनली सुषमा स्वराज जी ने कुछ बातें कही हैं जिस वजह से वो चर्चा में आ गई हैं, क्योंकि पाकिस्तान के बारे में सबसे पहली बात बोली है कि भारत गरीबी से लड़ रहा है और पाकिस्तान हमसे लड़ रहा है। यानी कि भारत का जो मोटिव है वो केवल गरीबी से लड़ना, अशिक्षा से लड़ना, स्वास्थ्य मिशन को अच्छा करना, बेरोजगारी से लड़ना, लेकिन जो पाकिस्तान है वो हमसे लड़ रहा है। तो सबसे पहले ये उन्होंने पाकिस्तान को उन्हीं के सामने क्रिटिसाइज़ किया था जिससे कि काफ़ी अप्लॉड भी किया गया, वो तालियां बजाकर इसका स्वागत भी किया गया उनके आ रही के स्टेटमेंट को। दूसरी बात उन्होंने बोली है कि हमने IIT बनाया, IIM बनाया, एम्स बनाए, पाकिस्तान ने क्या बनाया, उन्होंने लश्कर ए तैयबा, जैसे मोहम्मद, हक्कानी नेटवर्क को बनाया। यानी कि पाकिस्तान ने क्या किया, उन्होंने आतंकवाद को बढ़ावा दिया, उन्होंने आतंकवादी पैदा किया, जबकि भारत ने क्या बनाया, IIT IIM और इनसे डॉक्टर, इंजीनियर और साइंटिस्ट बनाए। तो इस बात का भी उनका बहुत समर्थन हुआ और हर देश के लोगों ने ताली बजाकर उनका अप्लाउड किया। उसके बाद में उन्होंने बोला कि जिस वक्त वह पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के बारे में बोला कि जब वो बोल रहे थे तो सुनने वाले कह रहे थे लुक हु इज टॉकिंग, इस चीज़ का वहाँ पर बड़ा मजाक बनाया गया। जैसे जिस समय पाकिस्तान के रिप्रेजेंटेटिव का मौका आया बोलने के लिए तो वो मानवाधिकार से रिलेटेड काफ़ी चीज़ बोलने लगे थे वहाँ पर, जिसके वजह से सारे देशों के लोग कमेंट कर रहे थे कि लुक हु इज टॉकिंग। ये एक तरीके से उनका अपमान करना हुआ कि मतलब आपके अंदर वो अच्छाई नहीं है फिर भी आप वो अच्छाई दूसरों को गिना रहे हैं, तो इस वजह से इस कमेंट का यूज़ किया गया। तो उसी का उल्लेख उन्होंने यहाँ पर किया है कि वो पाकिस्तान को इस तरीके से उन्होंने जलील कर, एक तरीके से जलील भी किया है। तो उसके बाद उन्होंने बोला है कि चौथा पॉइंट जो है,
हमने जनधन योजना, स्टार्टअप योजना, स्टैंडअप योजना जैसी योजनाएं शुरू की थी। ये तीनों योजनाओं को बताने का उनका कारण ये था, जैसे भारत में क्या है, गरीबी को सुधारने के लिए दो रास्ते चुने जा सकते हैं। एक तो तरीका है कि गरीबों को पैसा दे दिया जाए, दूसरा तरीका है कि गरीब को ही इतना सशक्तिकरण कर दी जाए, इतना स्ट्रांग बना दिया जाए कि उसे दूसरे के पैसे की जरूरत ना पड़े, वो खुद अपने पैसे से सारी चीज़ें, सारी व्यवस्थाओं को डेवलप कर सके। तो भारत में सुषमा स्वराज जी ने यही चीज़ वहाँ पर कही कि भारत जो गरीबी मिटाने के लिए जो स्टेप फॉलो कर रहा है, वो दूसरा वाला रास्ता भारत ने अपनाया है। भारत गरीबों के सशक्तिकरण के लिए कार्य कर रहा है, जिसको वहाँ पर बहुत सराहा गया, हर देश के लोगों ने उसको सराहा है। तो जिसमें गरीबों के सशक्तिकरण के लिए उन्होंने जनधन योजना अकाउंट खोला, जिसमें कि हर गरीब का अकाउंट खोला गया। उसके बाद में 30 करोड़ से ज़्यादा लोगों को स्टार्टअप योजनाएं चलाई, जिसमें गरीब अपनी नए बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। स्टैंडअप योजनाएं, इन तीन योजनाओं को वहां पर उन्होंने डिस्क्राइब भी किया था कि गरीबों के लिए वो कैसे, प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी कैसे गरीबों के लिए काम कर रहे हैं। पाँचवा पॉइंट जो उन्होंने बोला था कि यह तो इतिहास जानता है कि जिन्ना ने कैसी विरासत दी थी, लेकिन मैं ये याद दिलाना चाहती हूँ कि पीएम मोदी जी ने शांति और दोस्ती की नीयत जरूर दिखाई थी। ठीक है, तो इसमें ये बताया कि मोहम्मद अली जिन्ना जो पाकिस्तान, जो भारत और पाकिस्तान के बंटवारे में जिनका सबसे अहम रोल था, उन्होंने उस समय किस तरीके से आपस में लड़ाई कराकर और इस तरीके का माहौल बनाया था। जहाँ तक कि प्रधानमंत्री जी का उन्होंने एग्जाम्पल दिया है कि पीएम मोदी ने हमेशा पाकिस्तान की तरफ एक दोस्ती का हाथ बढ़ाया है और गरीबी, अशिक्षा और बेरोजगारी से लड़ने की बात करी है। उसके बाद में उन्होंने बोला है, हमने रोजगार के लिए स्किल इंडिया जैसी योजनाएं शुरू की है, नोटबंदी के जरिए भ्रष्टाचार पर हमला किया है। फिर उन्होंने बोला कि संयुक्त राष्ट्र महासभा के 72वें सत्र में सुषमा स्वराज जी ने जलवायु, क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड भी उन्होंने बहुत बड़ी चिंता जताई है, जिस चीज़ पर ज़्यादा लोगों का ध्यान नहीं जा रहा था कि पर्यावरण को भी बचाने के लिए कुछ ना कुछ कानून बनाए जाने चाहिए। तो ये एक यूनिक पॉइंट था जिसकी वजह से वहाँ पर उनका बहुत सम्मान हुआ। फिर पूछा गया, फिर उन्होंने बताया कि बेगुनाहों का खून बहाने वाला पाकिस्तान हमें मानवाधिकार का पाठ पढ़ा रहा है। यानी कि जब पाकिस्तान का नंबर आया वहाँ पर बोलने के लिए, तो पाकिस्तान के रिप्रेजेंटेटिव मानवाधिकार का पाठ भारत को पढ़ा रहे थे, जबकि वो पाठ उन्हें खुद सीखने की जरूरत थी। वो भारत पर ही आरोप मर रहे थे कि मानवाधिकार से रिलेटेड भारत में काफ़ी गलत काम होते हैं, या पाकिस्तान को वो अंडर प्रेशर लेकर ये सारी चीज़ें करवाना चाह रहा है। तो इस चीज़ का वहाँ पर काफ़ी समर्थन हुआ। फिर बोला गया, पाकिस्तान वालों अपने मुल्क की तरक्की के लिए पैसा खर्च करो। तो उन्होंने ओवरऑल यही कहा कि पाकिस्तान जो पैसा आतंकवाद की तरफ लगा रहा है, अगर वो उसके खुद के डेवलपमेंट में लगा लेगा तो वो काफ़ी अच्छी तरक्की कर सकता है। ये सारे पॉइंट्स थे। एक और आखिरी में जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट उन्होंने बोला, जिसके पीछे काफ़ी उनका समर्थन किया गया, कि आतंकवाद, जिसे इस समय क्या आतंकवाद को डिफाइन नहीं किया जा रहा है, डेफिनेशन को डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि आतंकवाद में अच्छा आतंकवाद और ख़राब आतंकवाद दो कैटेगरी बनाई गई है। तो उन्होंने इस चीज़ को क्रिटिसाइज़ किया कि आतंकवाद आतंकवाद होता है, उसमें कोई अच्छा या बुरा नहीं होता, आतंकवाद हमेशा बुरा ही होता है। तो इस चीज़ पर उन्होंने काफ़ी जोर दिया, उनसे लड़ना जरूरी, आतंकवाद की निंदा रस्म सा बन गया है। मतलब ये अभी तक जो भारत ने पहल की थी कि आतंकवाद पूरे विश्व के लिए खतरा है, इसको सारे देश उस एंगल से नहीं देख पा रहे थे। सारे देशों के हिसाब से ये था कि आतंकवाद किसी भी देश की कानून व्यवस्था में कमी की वजह से आतंकवाद होता है, लेकिन अब ये चीज़ पूरा विश्व समझ चुका है कि आतंकवाद केवल किसी एक देश के कानून की समस्या नहीं है, बल्कि पूरे विश्व के लिए एक सबसे बड़ी गंभीर समस्या है। और इसमें केवल निंदा करने से नहीं चलेगा कि आपने निंदा कर दिया, इसके लिए आपको हर जगह एक कानून बनाना पड़ेगा जिसके तहत इसको हर तरीके से डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा आतंकवाद को। तो ये सारी चीज़ें थी जिस वजह से सुषमा स्वराज जी को काफ़ी प्रशंसा मिली। और आई ऑल्सो अप्रिशिएट कि सुषमा स्वराज जी ने इतने अच्छे से वहाँ पर हर चीज़ को रिप्रेजेंट किया, क्योंकि सारी चीज़ें पता होने के बावजूद भी उसका रिप्रेजेंटेशन बहुत मैटर करता है। तो इतने अच्छे से रिप्रेजेंट करने की वजह से ही आज की डेट में वो न्यूज़पेपर हो, यूट्यूब पे हो, या किसी भी न्यूज़ चैनल को आप देख लीजिए, हर जगह उनका ये स्पीच बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है। तो आप लोग भी उस
वीडियो को देखें कि उन्होंने वहाँ पर कैसे क्या क्या बोला। ये एक छोटे से वीडियो में मैंने आपको बताने की कोशिश करी है कि वहाँ पर कैसे क्या हुआ। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा सो दैट मैं आगे भी इस तरीके की वीडियो आप लोगों के लिए लाता रहूँ। तब तक के लिए धन्यवाद।